हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फेसबुक की आप फुल प्राइवेसी सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपको प्राइवेसी सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक ओपन करनी हो और ये थ्री लाइन है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा और यहाँ पर मिलेगा आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी। इस पर क्लिक करके आपको सेटिंग पर चले जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको मिलेगी, सबसे पहले सेटिंग मिलेगी प्राइवेसी सेटिंग। हम प्राइवेसी सेटिंग पर क्लिक करते हैं। प्राइवेसी सेटिंग पर क्लिक करने के बाद प्राइवेसी सेटिंग की डिटेल खुल जाएगी। हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। दोस्तों, ये ऑप्शन इसलिए होता है कि आप जो भी पोस्टें करते हैं तो आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इसको हमेशा आप फ्रेंड्स रखिए। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ट्राई इट नाउ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स पर, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसको पब्लिक कभी मत रखिए। अगर आपके फ़ोन में ये पब्लिक हो रहा है तो इसको यहाँ से क्लिक करके दोबारा फ्रेंड्स पर कर दीजिए। दोस्तों, आपकी प्राइवेसी के लिए फ्रेंड्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग करनी होगी लिमिट हु कैन सी योर पास्ट पोस्ट। दोस्तों, ये पास्ट पोस्ट ये इसलिए यूज़ होता है, दोस्तों आपने आज तक जितनी भी पोस्ट की हैं वो आप किसके साथ शेयर हैं, फ्रेंड्स के अलावा, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या फिर पब्लिक, तो उसको आप इस पर क्लिक करके लिमिट पास्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपकी जितनी भी पुरानी पोस्टें डली हुई हैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या पब्लिक, वो सब एक क्लिक में फ्रेंड्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हु कैन सी द पीपल पेजेस लिस्टेड यू फॉलो। दोस्तों, ये इसलिए काम आता है, दोस्तों आपने किसी को फॉलो कर रखा है या पेज फॉलो कर रखा है, जो भी है, आप किसको शो करना चाहते हैं, पब्लिक को शो करना चाहते हैं, फ्रेंड्स को शो करना चाहते हैं, किसको शो करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको ओनली में रखिए। अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ओनली में रखिए। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग है हु कैन सी योर स्टोरी। दोस्तों, आप स्टोरी कौन कौन देख सकता है, उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग करनी है। आप इसे फ्रेंड्स से दे दीजिए, ये फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी सेटिंग है क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपकी स्टोरी देख पाएँ। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग है हु कैन सी योर हाईलाइट। दोस्तों, इसको भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसे फ्रेंड्स रखिए, ये आपके हाईलाइट्स कौन कौन देख सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा, तो इसमें होगा हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। दोस्तों, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको कौन कौन भेज सके, इसके लिए ये सेटिंग है। दोस्तों, आप इसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एवरीवन भी करेंगे तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसे अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, एवरीवन रखिए या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रखिए। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड रखेंगे तो आपको बहुत कम रिक्वेस्ट आएंगी, और एवरीवन रखेंगे तो आपको कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप आसानी से बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। दोस्तों, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन देखे, पब्लिक देखे, फ्रेंड्स देखे या कुछ ही चुनिंदा फ्रेंड्स देखे। दोस्तों, चुनिंदा फ्रेंड देखे तो आप फ्रेंड्स एजेंट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स देखे तो फ्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओनली मी रखिए कि आपका फ्रेंड्स आपके अलावा कोई नहीं देख पाए। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड एंड फ़ोन नंबर। दोस्तों, ये दोनों सेटिंग है, ये इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना ईमेल या फ़ोन नंबर जो यूज़ कर रखा है अपनी आईडी में, वो आपका कौन कौन देख सके। तो दोस्तों, आप इसी सेटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से फ्रेंड्स कर सकते हैं या फिर ओनली में भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह आप सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप फ्रेंड्स पर क्लिक करके फ्रेंड्स कर सकते हैं या फिर ओनली में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप इसकी फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दोनों की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग है डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल। दोस्तों, यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो भी सर्च इंजन में सर्च की जाए तो आपकी प्रोफाइल शो हो या नहीं हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल शो हो गूगल या किसी सर्च इंजन में, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। इस बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आउटसाइड सर्च इंजन में शो होएगी, जैसे गूगल हुआ या फिर या हुआ, तो आप यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्राइवेसी को लेकर कितने सतर्क हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको नेक्स्ट सेटिंग पे आना होगा। नेक्स्ट सेटिंग है फेस रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों, फेस रिकॉग्नाइजेशन और एक सीक्रेट सेटिंग के बारे में वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। फिलहाल हम
टाइमलाइंस एंड टैगिंग के बारे में बात करते हैं। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और सबसे पहले सेटिंग होंगे टाइमलाइन से रिलेटेड। तो इस पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। दोस्तों ये ऑप्शन यूज होता है कि आपके टाइमलाइन पर कौन कौन पोस्ट कर सकता है। आप इसे फ्रेंड्स रखिए, आप चाहे तो ओनली मी भी रख सकते हैं कि आपके अलावा कोई भी पोस्ट ना कर सके। उसके बाद है दोस्तों हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। दोस्तों आपकी टाइमलाइन से जो भी पोस्टें होती हैं आप चाहते हैं कि किसको दिखाई दे किसको ना दिखाई दे, तो दोस्तों इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से फ्रेंड्स भी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी फ्रेंड्स एजेंट का ऑप्शन यूज़ करके चुनिंदा फ्रेंड्स से हाइड कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक फ्रेंड्स के थ्रू आप किसी किसी फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे फ्रेंड्स रखिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट ऑन देयर स्टोरी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको दो ऑप्शन मिलेंगे येस एंड नो। दोस्तों येस करने पर ये होगा कि आप जो भी पोस्ट करते हैं उसको शेयर करने का ऑप्शन देंगे उनको अपनी स्टोरी बनाने के लिए। तो दोस्तों इसको यस कर दीजिए, यस करना चाहें तो दोस्तों इसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद दोस्तों आपको टैगिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे पहले मिलेगा यू कैन सी पोस्ट डेट यू आर टैगिंग ऑन योर टाइमलाइन। दोस्तों यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपके जो भी पोस्ट हैं जो भी टैग हुई हैं उनको कौन कौन दे सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से सेटिंग कर पाएंगे कि हम अपने पोस्ट को किसे विजिबल कर सकते हैं, पब्लिक को मतलब एवरीवन को दिखा सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे फ्रेंड्स ही रखिए। तो दोस्तों आप यहाँ से बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट सेटिंग करनी होगी। नेक्स्ट सेकेंड है दोस्तों व्हेन यू आर टैगिंग अ पोस्ट हु डू यू वांट ऐड ऑडियंस और पोस्ट इफ़ दे आर ऑलरेडी सी इट। दोस्तों इसके बाद यहाँ से आपको सेटिंग करनी होगी कि आप अपनी टैग पोस्ट को किसे शो करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप ऑडियंस टैग कर सकते हैं, तो आप इसे फ्रेंड्स भी रख सकते हैं, ओनली मी भी। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे ओनली मी रखिए। और इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा रिव्यू का ऑप्शन। दोस्तों आप जिसकी पोस्ट जो भी होती हैं टैगिंग के द्वारा तो आप उसका रिव्यू करना चाहते हैं कि आपके टाइमलाइन पर शो होने से पहले आपको दिखाई दे, उसके बाद आप परमिशन दे और फिर वो आपकी टाइमलाइन पर शो हो। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। आपको ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को आपको ऑन कर देना होगा इस तरह क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ से आप जैसे ही ऑन करेंगे तो आपकी जो भी पोस्टें हैं टैग वाली वो आपकी परमिशन के बिना आपकी टाइमलाइन पर शो नहीं होंगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है पब्लिक पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें चार सेटिंग करनी होगी। यहाँ पे मेनली हु कैन फॉलो मी हु कैन सी योर फॉलोअर। दोस्तों यहाँ से हम इसे फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ पब्लिक से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने प्रोफाइल और फॉलो बटन ऑन करना चाहते हैं और फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे पब्लिक रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप इसे फ्रेंड्स रखिए। इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे वीडियो के आई बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी और फॉलोअर की सेटिंग जान जाएंगे। दोस्तों इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको सेटिंग करनी होगी पब्लिक पास्ट पोस्ट कमेंट्स एंड पब्लिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप ये चाहते हैं कि आपके पोस्ट पर कौन कमेंट कर सके और आपकी प्रोफाइल फ़ोटो पर कौन रिएक्शन दे सके, तो इसको ही आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको फ्रेंड्स रखिए, आप अपने प्राइवेसी को लेकर सतर्क है। तो दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों फेक रिकॉग्नाइजेशन, जिसके बारे में मैंने बताया था वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, और एक अलग सेटिंग है प्रोफाइल लॉकिंग। तो दोस्तों फेस रिकॉग्नाइजेशन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों फेस रिकॉग्निशन इसलिए यूज़ होता है दोस्तों आपकी फेसबुक पर कोई भी पोस्ट कहीं पर भी डालता है फोटो या वीडियोस तो फेसबुक आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, चाहे वो कहीं पर भी डाले फेसबुक पर तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आप यस कर देंगे तो इसके बाद आपकी फ़ोटो के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगा फेसबुक पर कोई डालेगा। तो दोस्तों ये फेस रिकॉग्निशन का यही काम है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन मैंने बताया था प्रोफाइल लॉकिंग। दोस्तों प्रोफाइल लॉकिंग का बटन ये आपकी प्रोफाइल पर कैसे ऑन होएगा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक का मैं ऊपर आई बटन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर देंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रोफाइल सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस तरह की यूजफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।